नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में विद्युत कटौती को लेकर आम जन को हो रही है परेशानी। सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार मीणा ने आम जन से धैर्य रखने को कहा। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में कुछ समय से विद्युत कटौती को लेकर आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है। वहीं उपखंड क्षेत्र में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार मीणा ने बातचीत के दौरान बताया कि आमजन को हो रही विद्युत कटौती को लेकर समस्याओं से जल्द निजात मिल जाएगी। साथ ही कहा कि क्षेत्र के कुछ आमजन आक्रोशित होकर फोन पर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उनसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें और हमारा साथ दें, क्योंकि विद्युत कटौती केवल गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे समूचे राजस्थान में हो रही है। सब स्टेशन एक ही फीडर होने के कारण पूरे गोगुंदा में विद्युत आपूर्ति हॉस्पिटल की वजह से चालू रहती है। इसका कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह के किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से आगे से हमें जो डायरेक्शन मिल रहे हैं और जितनी आपूर्ति हमें मिल रही है, हम निर्बाध रूप से सभी उपभोक्ताओं को वो दे रहे हैं। अगर इसमें कोई व्यवधान फिर भी आता है तो आप आपातकालीन सेवा में हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन पे आप हमेशा ही 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, क्योंकि विद्युत आपूर्ति में लोड सेटिंग में कटती है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है, हमें पता लगता है। तो वो आगे से मैसेज जब तक जयपुर LD लोड डिस्पैच सेंटर हीरापुरा से मैसेज क्लियर नहीं होता है, तब तक वो आपूर्ति 220 KV देवारी से चालू नहीं होती है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र अपील और निवेदन है कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, हमारा साथ दें। हमारी भरपक और निगम प्रशासन की पूरी कोशिश है कि आपको 24 आवर्स विद्युत आपूर्ति बहुत जल्द मुआयना करवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के आप देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।